सब चालू है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे रियलिटी क्वार्टर के जो फाउंडर हैं उनको शुभकामनाएं और बधाई दूंगा कि हर साल उन्होंने रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए इतना अच्छा एक अवार्ड ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें रियल इस्टेट में जो भी बेहतर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है उसको बुला के मंच पे सम्मानित करते हैं। ये बहुत ही एक अद्भुत काम है और जिसमें हमारे सभी रियल इस्टेट के जो लोग हैं उनको एक मोटिवेशन मिलता है कि भाई हमें इस मंच पे अगर हमारा सम्मान हो रहा है तो उनको एक जिम्मेदारी और बढ़ती है कि नहीं भाई मुझे भी और कुछ करना है। तो इस तरीके से ये कार्य हो रहा है और पिछले 7 साल से लगातार कोई भी एक रियलिटी कंपनी अगर इस तरीके से अवार्ड शो कर रही है तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं हमेशा उनको सपोर्ट करता हूँ। हर साल मैं इनके कार्यक्रम में उपस्थित रहता हूँ और इनको एक जो भी अपने एंड से जो सपोर्ट हो सकता है वो करता हूँ कि इस तरीके से कंपनियाँ अगर रियल इस्टेट इंडस्ट्री को अगर प्रोत्साहित करते रहेंगी तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर आदमी कोई भी काम करता है तो उसको एक अप्रिसिएशन चाहिए। जैसा कि हम लोग अपने घर में भी अगर वाइफ अगर अच्छा खाना बनाई है तो वो भी एक्सपेक्ट करती है कि हम उनको अप्रिशिएट करें कि भाई सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी है, खाना बहुत अच्छा बना है। तो हमारे जैसे जितने भी रियल इस्टेट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको भी एक एक्सपेक्टेशन रहती है कि अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो इस तरीके के मंच पे हमारा भी एक मान हो, सम्मान हो। तो आज इतने भव्य तरीके से यहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है और सभी इंडस्ट्री के, सभी एसोसिएशन के, और मुझे लगता है कि इंडिया के हर कोने से यहाँ पे आज लोग उपस्थित हुए हैं, अलग अलग एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मैं उन सभी के बिहाफ से हमारे पवन जी को, रियलिटी क्वार्टर को शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा कि आप ऐसे ही काम करते रहें और हम सबको ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहें और हम सभी मिलजुल के कुछ और बड़ा करें, आने वाले साल में कुछ और बेहतर करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू। थैंक यू सर। क्या फीलिंग है? और जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे, कि वो कामगारों का हित जपते रहें। और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है, हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम, और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और मैं फिर से जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें, यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ज्ञानमूर्ति जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए, आमतौर पर तो ऐसे जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज़ लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड दे करके सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है। इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार हैं वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ। अभिजीत राणे जी, आप क्या कहना चाहते हो? आपके बड़े भाई सुनील राणे जी, विनोद सर, अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पार्टी के प्रोग्राम में इधर आए, क्या कहना चाहते हो? हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का। फर्स्ट ऑफ ऑल, रियलिटी क्वार्टर जो 7 साल से ये रियल एस्टेट अवार्ड को आयोजित कर रहा है उसमें हम हर साल पार्टिसिपेट करते हैं गुजरात से। मैं बड़ौदा से ललित परमार, सूरत से हमारे भरत देवड़ा जी, नीरव पुरोहित जी भरूच से, गुजरात से कोने से लोग आते हैं और ऐसे प्रोग्राम करने से हमारे
जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इंडस्ट्रीज है उसको एक प्रोत्साहन मिलता है कि और आगे इनके साथ काम किया जाए, और ये प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में क्या कहना, उसके लिए हम हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर पवन जी को बहुत सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारे ये देते हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा कोशिश की है कि सारे एसोसिएशन को बुला के एक करके ऐसे प्रोग्राम और से और ज़्यादा किया जाए, और इनके प्रोग्राम इतने अच्छे होते जा रहे हैं कि आपको उसके लिए शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और हम उनको शुभकामना देते हैं कि हर साल ये पार्टिसिपेट करें, और हर साल इसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे उनके साथ और उनके साथ सहयोग करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ललित परमार, प्रेसिडेंट ग्रीक गुजरात। थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे रियल्टी क्वार्टर्स के फाउंडर श्री पवन जी चौहान को 7वां रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया है और हमें सबको एक फ्लोर पे बुलाया है। दूर दूर से इंडस्ट्री के सभी लोग आए हैं, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, और पवन जी के जितने भी स्टाफ मेंबर हैं और वो सब है उनको भी अभिनंदन देना चाहता हूँ। आज ये कार्यक्रम करके हमें ये जता दिया है कि हम सब एक हैं और सबका साथ सबका विकास है, तो हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ के एज अ रियल इस्टेट ब्रोकर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के रूप में आया हूँ। महेश आर्य नाम है मेरा। ये रियल्टी जो 7th रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड जो हो रहा है, जो परंपरागत रूप से पवन चौहान जी कराते आते हैं, इससे क्या है सभी को सभी प्रकार का एक प्रोत्साहन मिलता है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का तो क्या है आपस का साथ है, यहाँ से नागपुर के बाद तो छत्तीसगढ़ शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ के कई लोगों का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के कई लोगों का इन्वेस्टमेंट छत्तीसगढ़ में है, कुछ न कुछ नया सीखने मिलता है, लोगों को प्रोत्साहन मिलते हैं। इसके लिए हम इस प्रकार के आयोजन के लिए सभी को दिल से बधाई देते हैं और रियल्टी क्वार्टर को साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। मैं बॉडी डबल फॉर बमन ईरानी, अभी सारी पिक्चर में आया है मुझे, अभी शाम बहादुर मैरी क्रिसमस कैटरीना कैफ के साथ एंड अपना आर्चिस जोया अख्तर के साथ, तो मैं एक सर के आप पवन चौहान सब जो इतना अच्छा प्रोग्राम रखे उसके ऊपर एक शेर शायरी रखना चाहता हूँ कि हवाओं से कह दो अपने काबू में रहे, हवाओं से कह दो अपने काबू में रहे, क्योंकि हमारे पवन चौहान हवाओं से नहीं हौसलों से उड़ान करते हैं, हौसलों से उड़ान करते हैं। और मैंने सोचा हमारे पवन कुमार साहब को तोहफे में क्या दूं, कोई अच्छा फूल होता तो मंगवाता माली से, पर जो खुद गुलाब है उसे मैं गुलाब किया। इर्शाद। तो मैं शुभकामना देता हूँ अपने पवन साहब चौहान को कि अच्छे एवरी ईयर वो करते जा रहे हैं और हमें बुलाते जा रहे हैं, तो शुभकामना देता हूँ उनको। थैंक यू वेरी मच। मुझे अवार्ड मिला है बेस्ट रियल एस्टेट ऑथर ऑफ द ईयर पे, बहुत खुशी हो रही है कि इस स्टेज पे मुझे एक्नॉलेज किया गया है, और मैं किताबें लिखता हूँ रियल एस्टेट पे, 20 किताबें मैंने लिखी है और उसको सत्कारा गया है, उस पर मुझे बहुत खुशी है। सबसे पहली बात मैं आयोजकों को धन्यवाद दूंगा। रियल एस्टेट की दुनिया में काफ़ी सारा स्ट्रेस है, रियल एस्टेट की दुनिया में काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन इस प्रकार के सम्मान से कंस्ट्रक्शन करने वालों को एक हौसला मिलता है, तो मैं सभी अवार्डी का धन्यवाद देता हूँ, तथा गेस्ट ऑफ ऑनर में आयोजकों ने मुझे बुलाया उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी बहन मोनिका जी हैं,
step forward on the dais to have a picture perfect moment with Monica ji. Yeah, good evening everyone. मेरा नाम मोनिका सोनी है, एम जे इवेंट की ऑर्गेनाइजर हूँ मैं. मैं यहाँ पर रियलिटी क्वार्टर में ये जो इवेंट है कॉर्पोरेट इवेंट, उसमें मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ. बट मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, नया सीखने को मिला. और मैं उनकी जो फाउंडर है उनका मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ, उन्होंने मुझे ये अवार्ड से फेलिसिट किया. थैंक यू सो मच फॉर दिस. और 26 मई को आर के एजुकेशन और मोनिका जी हम लोगों का अवार्ड शो आ रहा है. नीलम कोठारी जी गेस्ट है. 26 मई को तो सोशल साइट पे आरके एजुकेशन पेज को फॉलो करेंगे तो 101% आपको डिटेल्स मिलेंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू भाई. नंबर इंडस्ट्री लीडरशिप अवार्ड जो इसका आयोजन किया है आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आयोजन के बारे में? सो एज़ अ फाउंडर ऑफ रियल्टी क्वार्टर, सबसे पहले तो मैं रियल्टी क्वार्टर टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज अगर टीम का एफर्ट नहीं होता तो इस तरीके का इवेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं. फर्स्टली सेकंड, लाइक जिन जो भी मीडिया है, जो भी स्पॉन्सर्स है, जो भी अवॉर्डीज हैं, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा बिकॉज एवरीथिंग इन्वॉल्व इन समथिंग. ओके, सो आज जो भी आप देख रहे हो यहाँ पे, जो कुछ भी हुआ है, लाइक आप देखोगे तो अवॉर्डीज पूरे इंडिया से आए हैं. अवॉर्डीज फ्रॉम बैंगलोर, दिल्ली, गुड़गांव, पुणे, अहमदाबाद. और रियल्टी क्वार्टर ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एक ही जगह पे फेलिसिटेट होते हैं और उनको वहाँ पे सम्मानित किया जाता है. मैं चाहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट हमेशा बना रहे और आने वाले टाइम में रियल्टी क्वार्टर, लाइक वी आर डूइंग इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, वी आर डूइंग इन लंदन ऑल्सो. एंड हमारा जो अपकमिंग इवेंट है वो अभी 15 जून को आ रहा है दुबई में, जो कि दिलशाद भाई के साथ में हम कर रहे हैं 15 जून दुबई. सो उसमें हम लोगों ने बिजनेस के साथ साथ में फैलिसिटेशन भी रखा है. सो ऑल द अवॉर्डीज और जितने भी यहाँ के कंपनीज हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करें और स्पॉन्सरशिप भी करें. बिकॉज क्या है कि ये दुबई का लाइक 17th एडिशन है जो कि मुंबई हलचल और रियल्टी क्वार्टर मिलकर करने जा रहे हैं. थैंक यू. सॉरी, कितने कैटेगरी में अवार्ड दिया गया? सो ऑल द कैटेगरीज वी आर इन्वॉल्विंग इन दिस इवेंट अवार्ड. सो इसके अंदर आप बिल्डर, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, लाइक फैशन इंडस्ट्री, जो भी लाइक जिसने जो फील्ड में अचीव किया है उस अचीवमेंट को हम लोग नॉमिनेट करेंगे. अवार्ड ऑल ओवर इंडिया से देखिए, सिर्फ मुंबई से? ऑल ओवर इंडिया से, पैन इंडिया लेवल. वॉट एवर वी डू वी आर डूइंग ऑन पैन इंडिया लेवल. बिकॉज क्या होता है कि पूरे इंडिया के अंदर टैलेंट है, पूरे इंडिया के अंदर अचीवमेंट है और अचीवमेंट के लिए इस तरीके का प्लेटफॉर्म जरूरी है सबको. एंड ऑफकोर्स आप मीडिया का सपोर्ट अगर नहीं है तो पूरे इंडिया तक तो पहुँच ही नहीं सकता. लाइक सब तक पहुँचाने के लिए आप लोगों का सबसे बड़ा हाथ है. सर कितने लोगों को अवार्ड दिया गया है? सो टोटल आप देखोगे तो अवार्डीज फ्रॉम पैन इंडिया लेवल, लाइक आप देखोगे तो बैंगलोर से, पूना से, हैदराबाद से, मुंबई से, चेन्नई से, तो टोटल लाइक यू नो 19+ अवार्डीज. दुबई से एंड दुबई ऑल्सो, दुबई से देसी विलेज करके एक ब्रांड है जो वहाँ की एक होटेलियर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा चेन है, जो यहाँ पे रियल्टी क्वार्टर के प्लेटफॉर्म पे उनको नॉमिनेट किया गया. सेलेक्ट कैसे किया आपने? सेलेक्ट एज पर द सर्विसेज एंड द प्रोफाइल. लाइक वी हैव अ प्रोफाइल, फर्स्ट वी आस्क फॉर द प्रोफाइल कंपनी. पर्सनली यूज किया था? हाँ, पर्सनली आई हैव विजिटेड लास्ट 12th of June 2023 को विजिट किया था हम लोगों ने. एंड फिर कंपनी का प्रोफाइल होता है, उसके बाद हमारी ज्यूरी टीम्स होती है तो वो डिसाइड करती है. पिछले साल और इस साल में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है? पिछले साल में और इस साल में ये डिफरेंस है कि पिछले साल अब जो हम लोगों ने किया था, छः साल से ऑर्किड होटल में कर रहे थे हम लोग एंड करीब 100-150 लोग थे. आज यहाँ पे देखेंगे तो पूरे 200+ लोग थे यहाँ पे. तो एवरी डे वी आर ग्रोइंग. आप क्या कहना चाहेंगे? इधर डायरेक्ट मेरे भी आ गए. रियलिटी क्वार्टर जो अवार्ड शो करता है वो बहुत 17 साल से अवार्ड शो हो रहे हैं और दुबई में भी अभी हमारा 15 जून को है अवार्ड. हम लोग साथ में ही कर रहे हैं पवन भाई और हम,
तो जितना भी अवार्ड शो होता है आज यहाँ पर जो है सब सिलेक्टेड लोगों को दिया जाता है, उनका चयन किया जाता है और पूरे ऑल इंडिया से आए हैं, तो उनको सम्मान देना एक ऐसा लगता है कि और उनको भी खुशी होती है कि और अच्छा काम करेंगे और अच्छा आगे करेंगे। तो एक ये फेलिसिटेशन देने के लिए मतलब ये होता है कि उनको और आगे अच्छा लगे और अच्छी उनकी हिम्मत बढ़े और अच्छा काम करें, और हम लोग उनको साथ देते हैं। आज ये दाकलम में यहाँ पर फर्स्ट टाइम हुआ है, पहले ऑर्चिड होटल में होता था। अभी इसी तरह से आप नेक्स्ट अवार्ड जो करेंगे इससे बड़ा करेंगे, और आज 200 प्लस है, कल 300 400 होंगे। आप लोग साथ दीजिए और इसी तरह हम लोग आगे अवार्ड शो करते रहेंगे। अच्छा जन, क्या कहना चाहेंगे? तो पसीने छूट जाते यार, रियलिटी क्वार्टर्स आर डूइंग फैब एंड एज यू नो एज पर द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड द डेवलपमेंट इज कमिंग, सो आई थिंक द वे दे आर अवार्डिंग लॉट ऑफ पीपल इज अमेजिंग। And thanks to Pawan ji and Dilshad ji for conducting such kind of events. So it was fab to be here. Bombay Times कभी आपका चल रहा है जी, उसके बारे में बताएं। हाँ, तो हमारा शो कल ही हुआ था बॉम्बे टाइम्स फैशन वीक का, जहाँ पर ओपनिंग शो किया था मुंबई हलचल और फ्लोरियन फाउंडेशन ने। एंड हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था, इट्स नॉट अबाउट मेनिज्म और फेमिनिज्म, इट्स अबाउट ह्यूमैनिज्म, बिकॉज हम भूल जाते हैं ह्यूमैनिटी को। एंड सिंपल सा क्राइटेरिया जहाँ पर एज, वेट, हाइट, स्किन कलर, लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं है, एंड एनी वन कैन वॉक दिस प्लेटफॉर्म, दैट्स इट। दिलशाद भाई, आप भी जुड़े थे बॉम्बे टाइम्स के बारे में कुछ? बॉम्बे टाइम्स का शो तो कल हो गया है, हम लोग उस शो करके आ गए हैं, बहुत अच्छा सक्सेसफुल हुआ हमारा शो हुआ है। अर्चना और मैं उसमें पार्टनर थे, बहुत अच्छे से हम लोगों का में और बॉम्बे टाइम्स की टीम ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया और हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। डिज़ाइनर वगैरह जो थी, ज्वेलर्स, ज्वेलरी वाले सब बहुत अच्छे थे, और इवेंट भी हमारा फर्स्ट था और फर्स्ट में सबसे अच्छा शो हमारा ही रहा कल, यस्टरडे का सबसे अच्छा शो हमारा था बॉम्बे टाइम्स का। So, first of all, very good evening everyone. This is Mini Bansal and I'm Bollywood actress and model, and I'm so glad to be here. And I want to congratulate Pawan ji, he's a founder of Reality Quarters ke. So मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे जितने भी सभी लोग आए थे, जिन लोगों को भी अवार्ड से सम्मानित किया गया है, माय कंग्रेचुलेशन एंड माय बेस्ट विशेस फॉर देम। एंड नई पिक्चर आ रही है उसके बारे में? यस, अभी मेरी एक मूवी आई है रुसलान, आयुष शर्मा जिसके लीड हीरो हैं, और वो मूवी मैंने अभी की है, उसमें मेरा डांसिंग सिक्वेंस नंबर है। सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज़ आप थिएटर में जाइए और वो मूवी को देखिए, इंजॉय कीजिए, मेरा डांसिंग सिक्वेंस नंबर है, आप लोगों को बहुत एंटरटेन करेगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आई माई सेल्फ शाइस्ता अंसारी एंड आई एम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रियलिटी क्वार्टर। रियलिटी क्वार्टर को 17 साल हो गए हैं, और पवन जी को मैंने ज्वाइन करके मुझे 3 साल हो गए हैं, और मैंने बहुत कुछ सीखा है पवन जी से इस कंपनी में। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से हम अवार्ड कर रहे हैं, सारे इवेंट्स कर रहे हैं नेशनली इंटरनेशनली, आगे जाके और भी काफ़ी सारे बहुत ही अच्छे इवेंट्स हम आगे जाके कर रहे हैं, और आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सम्मान के बारे में? देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि क्या कुछ कहेंगे, तो मैं बताऊं कि यहाँ पे बहुत कुछ लोगों ने यहाँ पे बोला है पवन भाई के लिए। मैं भी इतना ही बोलूँगा कि जितने सिंपल और साधारण हमारे पवन भाई हैं, उनकी वजह से, और ये इनका 7वां रियलिटी क्वार्टर का जो है ये अवार्ड शो था, उसके लिए मैं इनको दिल से शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और आपके सभी चैनल के माध्यम से मैं ये बोलूँगा कि आप सभी जो है रियलिटी क्वार्टर को और ख़ास करके हमारे पवन भाई को आप सभी सपोर्ट करें, क्योंकि जिस तरीके से रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये लगातार सात साल से तो इनका एक अवार्ड चल रहा है, पिछले 15 साल से ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, जी जान से लगे हुए हैं, तो आप सभी का भी सपोर्ट रहेगा इसमें तो ये और कुछ बेटर फ्यूचर में कर पाएंगे। और मैं पवन भाई को और उनकी पूरी टीम को, शाइस्ता जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आज के एक सफल आयोजन के लिए, और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इनके आने वाले अवार्ड्स जो है और भी सफल हो और भी बड़े हो, और आप सभी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इनको और प्रमोट करें। थैंक यू। पवन जी, क्या कहना चाहेंगे? सर ने काफ़ी तारीफ की है। सर, अजय दुबे जी जो हैं और दिलशाद भाई,
बड़े भाई जैसे हैं मेरे, एंड 2010 से मैं अजय दुबे जी को जानता हूँ, एंड मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और आज जिस तरीके से सपोर्ट अजय भाई ने किया है, दिलशाद भाई ने किया है, दे आर वेरी मोटिवेटिंग एंड दे आर वेरी सपोर्टिंग एंड ऑलवेज, मतलब अगर कभी भी कोई चीज़ मैं प्लान करता हूँ और उसके अंदर अगर कुछ मुझे सजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हमेशा अजय भाई से मैं डिस्कस करता हूँ, दिलशाद भाई से डिस्कस करता हूँ, एंड उनके प्लान के हिसाब से फिर हम लोग आगे हम लोग इवेंट्स का प्लान करते हैं। जैसे कि अभी हम लोग ने बताया कि जो दुबई में 15 जून को होने जा रहा है वो अजय भाई का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, दिलशाद भाई है और रियलिटी क्वार्टर, तीनों मिलके। थैंक यू, थैंक यू। स्टार हूँ रियलिटी क्वार्टर की और पवन की, especially because they have invited us for this event and facilitated us for Lubna Realtors. और मैं चाहूँगी कि ये इसी तरह से आगे तरक्की करते जाए। आज Reality Quarter Media, आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे इनके मीडिया पार्टनर्स हैं और साथ में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, दिन ब दिन ये बढ़ते जा रहे हैं। ये 7th एडिशन है इनका और मैं दुआ करती हूँ कि ऐसे कई 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 और जीरोस इनके आगे लगते जाए, 70-700 होते जाए। थैंक यू, थैंक यू। है किसी वजह से वो आ नहीं पाए बिकॉज ऑफ उनके कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स थे और कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए। सो अराइज ग्रुप फ्रॉम गुड़गांव दिल्ली से और मालपानी ग्रुप फ्रॉम पुणे से, मैं उनको बेस्ट विशेस देना चाहूँगा जो उन्होंने उन कैटेगरी के लिए अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया और उनको अवार्ड मिला। और जल्दी मतलब 2 से 3 दिन के अंदर वो जो अवार्ड है वो उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू। लॉरेंस शेट्टी, मैं थाने ब्रोकर एस्टेट एजेंट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रह चुका हूं 2021 से 2024 तक। अभी हमारी नई कमेटी भी आने वाली है और मेरे साथ शौकत जी भी है, मिस्टर शौकत शेख, ही वाज़ द प्रेसिडेंट फॉर घोड़बंदर रोड एसोसिएशन। हमारी तरफ से हम सिर्फ 2 लाइन कहना चाहेंगे, आज मुंबई में रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल एस्टेट एजेंट, रियल्टर को एंड ब्रोकर फ्रेटर्निटी प्लस बिल्डर लॉबी को जो आज प्रमोट करके कहीं पर एग्जिस्टेंस दिखा रहे हैं, ये एक ही फील्ड है। पवन जी को मैं दाद देना चाहूँगा, अमित जी हैं और शायस्ता मैडम हैं, इन्होंने ये ब्रोकर का फेस आज भी लाइव रखा हुआ है। इनकी वजह से हमको एक एग्जिस्टेंस मिलता है। देर आर मेनी लेस प्लेटफॉर्म्स वेयर वी कैन शोकेस आर प्रोग्राम्स या अपना फेस दिखा सकते हैं। सो वी आर वेरी थैंकफुल दैट एंड वी आर देयर ऑलवेज विद यू। कुछ भी रहेगा हमारी तरफ से सपोर्ट रहेगा। थैंक यू।